हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में लोग देखने वाले हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश दक्षिण बस्तर में आई वैकेंसीज के बारे में। ये जो वैकेंसीज आया है वो ये डायरेक्ट भर्ती है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि आखिर ये इसमें क्या क्या चीजें दी गई है। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यहाँ पर ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें शुरू में ही बता दिया गया है कि आपको जो लास्ट डेट है इसमें अप्लाई करने का वो 10 अगस्त 2023 है और ये शाम के 5 बजे तक आपको इसे अप्लाई करना ही है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें कौन कौन से पोस्ट दिए गए हैं। तो अगर पोस्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ये अलग अलग यहाँ पर स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोटाइपिस्ट, सहायक ग्रेड 3 और इसके साथ साथ स्वीपर, वाटरमैन और चौकीदार के यहाँ पर पोस्ट दिए गए हैं। इससे आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट इसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखा गया है। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है और साथ ही साथ इसमें एज लिमिट और जो वेतन है उनको भी समझते हैं। तो इसे एक एक करके हम देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, जैसे स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि इसमें अगर आप सेलेक्ट होते तो आपको सैलरी जो प्रोवाइड किया जाएगा लेवल 7 का रहेगा और जो इसका मतलब 28,700 से लेकर 91,300 के बीच में आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है इसका मतलब क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया है, तो ये है आपका कि आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, इसमें 45% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, लेकिन जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए यहाँ पर 40% मार्क्स रखा गया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपको हिंदी टाइपिंग का आपके पास शीघ्र लेखन या मुद्रा लेखन बोर्ड का आपके पास एक सर्टिफिकेट होना ही चाहिए और DCA किया होना भी जरूरी है इसमें रखा गया है। तो इसका मतलब ग्रेजुएशन, DCA और शीघ्र लेखन का आपके पास सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है। इसके बाद अगर हम देखें स्टेनोटाइपिस्ट के लिए जो पोस्ट है उसमें जो सैलरी आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो होगा 19,500 से लेकर 62,000 के बीच और इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन रखा गया ग्रेजुएशन और जो जो मार्क्स है वो भी सेम टू सेम ही रहेगा। इसके साथ साथ इसमें देखें जो हिंदी का जो मैं बात कर रहा था शीघ्र लेखन या मुद्रा लेखन वो भी यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पर आपका DCA किया होना भी जरूरी है। फिर जो पोस्ट है सहायक ग्रेड 3, इसमें जो पे मैट्रिक्स रखा गया लेवल 4 का और इसमें जो सैलरी आप देखेंगे वो 19,500 से लेकर 62,000 के बीच में है और योग्यता देखें तो वही योग्यता रखा गया है जो पहले के जो पोस्ट थे उसमें, वैसे ही कि आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, 45% मार्क्स होना चाहिए आरक्षित श्रेणी के लिए, यहाँ पे 40% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें DCA भी मांगा गया है और एक बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ पर मैं कहूँ इस पोस्ट के लिए कि इसमें कोई भी हिंदी मुद्र लेखन या शीघ्र लेखन का जो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं सहायक ग्रेड 3 पर, ये आपके पास एक बढ़िया चांस है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें आपका टाइपिंग स्पीड चेक किया जाएगा हिंदी का और कितना होना चाहिए, 5,000 की डिप्रेशन प्रति आवर की स्पीड आपकी होनी चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वेटर और जो स्वीपर और चौकीदार हैं इनका इसमें क्या क्वालिफिकेशन रखा गया, तो इन तीनों के लिए है आपका कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है और साथ ही साथ अगर आपका जो एक्सपीरियंस है कुक में या फिर ड्राइवर में या फिर माली में, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ई, अगर आप ये सब काम आप जानते हैं तो आपको इसमें एक अच्छा खासा एक प्रायोरिटी दिया जाएगा। इन सभी पोस्ट को लिए ध्यान दीजिएगा कि जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम जो है 30 ईयर है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलता है और जो ये एज रिलैक्सेशन होता है 40 वर्ष है। इसका मतलब कि 40 वर्ष तक की आयु के जो कैंडिडेट हैं, और ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ के जो कैंडिडेट हैं स्थानीय निवासी वो ही इसमें 40 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो अदर जो है जैसे कि एक्स सर्विसमैन, साथ ही साथ जैसे परित्यक्ता, विधवा, उनके लिए भी इसमें एज लिमिट रखा गया है जो कि मैक्सिमम जो है सब मिला के 45 ईयर तक ही आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं कि इसमें आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने का जो तरीका है वो ऑफलाइन मोड है, ऑफलाइन तरीके से आप इसमें अप्लाई करना है और इसमें जो एड्रेस दिया हुआ है जिला सत्र न्यायाधीश आपका दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में आपको सेंड करना है। सेंड करने का जो तरीका है वो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ आपको रजिस्ट्री करवाना है या फिर आपको स्पीड पोस्ट करना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा
और किसी भी तरीके से आपको नहीं जाना, ना तो व्यक्तिगत रूप से आपको जमा करना है, ना ही आपको जो है किसी कोरियर के थ्रू आपको भेजना है, सिर्फ और सिर्फ ये स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री, इसी के थ्रू ही आपको भेजना है। अब बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है कि मेरिट लिस्ट निकलेगा आपके जो परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, और एक अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हुए तो वहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम के बाद आपका एक कौशल परीक्षा होगा, और कौशल परीक्षा के बाद जो है आपका सिलेक्शन यहाँ पर कर दिया जाएगा, और सिलेक्शन होने के बाद जो कि पोस्टिंग होगी वो इसी न्यायाधीश यानी इसका मतलब जिला सत्र न्यायालय में आपकी पोस्टिंग होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपकी पोस्टिंग कहीं और भी हो सकती है, लेकिन शुरुआती पोस्टिंग आपकी वहीं होगी। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका है, अगर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है जरूर इसमें अप्लाई कीजिए, मिस मत कीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। थैंक यू।